साथियों, श्री रामचंद्र को तेज में सूर्य के समान, क्षमा में पृथ्वी के तुल्य, बुद्धि में बृहस्पति के सदस्य और यश में इंद्र के समान माना गया है। श्री राम का चरित्र सबसे अधिक जिस केंद्र बिंदु पर घूमता है वो है सत्य पर अड़िग रहना। इसलिए ही श्री राम संपूर्ण है, इसलिए ही वो हजारों वर्षों से भारत के लिए प्रकाश स्तंभ बने हुए हैं। श्री राम ने सामाजिक समरसता को अपने शासन की आधारशिला बनाया था। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से ज्ञान, केवट से प्रेम, सबरी से मातृत्व, हनुमान जी एवं वनवासी बंधुओं से सहयोग और प्रजा से विश्वास प्राप्त किया। यहां तक कि एक गिलहरी की महत्ता को भी उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। उनका अद्भुत व्यक्तित्व, उनकी वीरता, उनकी उदारता, उनकी सत्यनिष्ठा, उनकी निर्भीकता, उनका धैर्य, उनकी दृढ़ता, उनकी दार्शनिक दृष्टि युगों युगों तक प्रेरित करते रहेंगे। राम प्रजा से एक समान प्रेम करते हैं, लेकिन गरीबों और दीन दुखियों पर उनकी विशेष कृपा रहती है। और इसीलिए तो माता सीता राम जी के लिए कहती है, दीन दयाल बिरिदु संभारी, यानी जो दीन है, जो दुखी है, उनकी बिगड़ी बनाने वाले श्री राम है। साथियों, जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं है जहां हमारे राम प्रेरणा न देते हो। भारत की ऐसी कोई भावना नहीं है जिसमें प्रभु राम झलकते न हो। भारत की आस्था में राम है, भारत के आदर्शों में राम है, भारत की दिव्यता में राम है, भारत के दर्शन में राम है। हजारों साल पहले वाल्मीकि रामायण जो राम प्राचीन भारत का प्रदर्शन कर रहे थे, जो राम मध्ययुग में तुलसी, कबीर और नानक के जरिए भारत को बल दे रहे थे, वही राम आजादी की लड़ाई के समय बापू के भजनों में अहिंसा और सत्याग्रह के शक्ति बनकर मौजूद थे। तुलसी के राम सगुण राम है तो नानक और कबीर के राम निर्गुण राम है। भगवान बुद्ध भी राम से जुड़े हैं तो सदियों से यह अयोध्या नगरी जैन धर्म की आस्था का भी केंद्र रहा है। राम की यही सर्वव्यापकता भारत की विविधता में एकता का जीवन चरित्र है। तमिल में कंब रामायण तो तेलुगु में रघुनाथ और रंगनाथ रामायण है, उड़िया में रुईपाद कातेड़पदी रामायण है, तो कन्नड़ा में कुमुदेंदु रामायण है। आप कश्मीर जाएंगे तो आपको रामावतार चरित मिलेगा, मलयालम में रामचरितम मिलेगी, बांग्ला में कृतिवास रामायण है, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने तो खुद गोविंद रामायण लिखी है। अलग अलग रामायणों में अलग अलग जगहों पर राम भिन्न भिन्न रूपों में मिलेंगे, लेकिन राम सब जगह हैं, राम
सबके हैं। इसलिए राम भारत की अनेकता में एक तरह के सूत्र है।